Asalaamu As Alaikum, students. I hope you all are doing well. Welcome back to your science lecture. So, we have completed the topics of chapter number two, the animal world. So, today we will do question answers and workbook exercise. So, take out your science workbooks and open page number seven. So, look at page number seven of your workbooks carefully. Life cycle of a honeybee. एज यू नो वी इन प्रीवियस लेक्चर वी डि वी स्टार्टिड द लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी यानी कि जो शहद की मखी है हनी बी इज़ कॉल्ड शहद की मखी सो हमने उसका लाइफ साइकिल देखा था कि उसमें उसका जो पूरा लाइफ साइकिल है यानी कि जो पैदा होने से मरने तक जो डिफरेंट स्टेज हैं वो कौन कौन सी हैं सो नाउ यूर क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाट इज हैपनिंग एट ईच स्टेज एज यू कैन सी ऑन पेज नंबर सेवन सिक्स फिगर्स आर गिवन सो फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है यू विल राइट एज नंबर वन इज़ क्वीन लेज एग्स इन वैक्स सेल्स इनके जो वैक्स सेल्स हैं वहाँ पे एज यू नो जो बीज you know, में अंडे कौन सी uh, देगी थ्री uh, टाइप्स की बीज होती हैं वर्कर बीज क्वीन बीज एंड ड्रोन्स सो उसमें जो क्वीन बीज हैं वो क्या करती हैं उनका क्या फंक्शन होता है वो अंडे देती हैं सो यू विल राइट क्वीन लेज एग इन वैक्स सेल इनके जो सेल में अंडे कौन देगा क्वीन सो फर्स्ट पिक्चर में ये हो रहा है नाउ मूविंग टू वर्ड सेकेंड पिक्चर Now what इज़ हैपनिंग यू विल राइट वर्कर फीड्स हैच्ड larva. हैच का मतलब होता है बनना या फिर प्रोड्यूस होना है फॉर example जो shell है वो ब्रेक के क्या होगा जो larva है वो बाहर आ जाएगा सो वर्कर फीड्स हैच्ड लार्वा यानी कि जो एग बाहर आया है लार्वा जिसको कहते हैं वर्कर बीज क्या करेंगी उसको फीड करवाएंगी उसको खाना देंगी नाउ नंबर थ्री इज लार्वा रीचेज़ फुल ग्रोथ यानी कि जो लार्वा है जो पहले बहुत छोटा सा था अब वो क्या हो गया फुली ग्रोन हो गया है यानी कि बड़ा हो गया साइज़ में सो so, लार्वा रीचेज़ फुल ग्रोथ नाउ नंबर फोर लुक एट द पिक्चर वर्कर सील्स सेल इनके जो वर्कर बीज है आज यू कैन सी वो जो क्या करी है वैक्स सेल को उसने कवर कर दिया है सो इट्स सेल मीन्स के कवर करना ताकि जो लार्वा है वो आहिस्ता आहिस्ता किस में चेंज हो जाएगा प्यूपा में और देन एडल्ट में सो इन नंबर फोर यू विल राइट वर्कर सील्स सेल नंबर फाइव लार्वा बिकम्स अ प्यूपा एज यू कैन सी इन द पिक्चर जो लार्वा था पहले आहिस्ता आहिस्ता वो किस में चेंज होना शुरू हो गया ग्रो करना शुरू हो गया एंड दैट स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा सो यू विल राइट लार्वा बिकम्स अ प्यूपा नाउ लास्ट पिक्चर एडल्ट बी लीव सेल क्योंकि जो प्यूपा था वो आहिस्ता आहिस्ता एडल्ट बी यानी कि मेच्योर फुली ग्रोन बन गई है तो अब वो आहिस्ता आहता क्या करेगा वो सेल से बाहर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा सो यू विल राइट एडल्ट बी लीव का मतलब होता तो है छोड़ना सो so अब एडल्ट बी क्या करेगी क्योंकि वो फुली ग्रोन हो गई है तो अब वो अपनी बाहर की एन्वायरमेंट में उठ जाएगी सो इन लास्ट ब्लैंक यू विल राइट अडल्ट बी लीव सेल ओके सुनाओ

ह्यूमन राइट द ह्यूमन बॉडी हेज़ ग्रोन इन टू एन एडल्ट यानी कि जो ह्यूमन बेबी है वो आहिस्ता आिस्क में चेंज हो गया है एडल्ट में चेंजेज़ कैन बी ऑब्जर्व इन साइज़ द एडल्ट लुक्स डिफरेंट एंड इज़ एबल टू सर्वाइव इन अ बेटर वे यानी कि हम आते जब बड़े होते हैं तो क्या होता है हमारा साइज़ भी ज़्यादा हो जाता है और उसके अलावा हमारे जो लुक्स हैं यानी कि जो हम देखने में वो भी हमारे फीचर्स डिफरेंट होते जाते हैं एंड वी आर एबल टू सर्वाइव सर्वाइव का मतलब होता है जिंदा रहना बेटर वे यानी कि हम बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं नाउ नंबर टू एज यू कैन सी दिक्चर फ्रॉग पिक्चर इज गिवन और उससे पहले क्या है टैट पोल यानि जो बेबी फ्रॉग है और एडल्ट फ्रॉग है सो यू विल राइट द टैट पोल हैज़ ग्रोन इंटू अ फ्रॉग यानी कि जो टैट पोल है वह आहिस्ता आरोग में कन्वर्ट हो गया है चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व इन शेप साइज एंड अपेयरेंस यानी कि उसकी शेप उसका जो साइज़ था और उसका जो दिखावट थी वो आहिस्ता आहिस्त चेंज हो गए हैं सब एडल्ट फ्रॉक्स कैन लिव ऑन लैंड ऑल्सो वाइल्ड टैटपोल्स लिव अंडर वाटर यानी कि जो फ्रॉक्स जो ग्रो कर जाते हैं एडल्ट हो जाते हैं वो ज़मीन पे रहना शुरू कर देते हैं बट टैटपोल्स हमने पढ़ा था कि टैटपोल्स हमेशा वाटर में प्रेजेंट होंगे